जैसे ही दिसंबर का माह शुरू होता है, वैसे ही जो आपके अमरूद होते हैं उनमें कुछ रंग बदलना शुरू हो जाता है। आप ये देखिए ध्यान से इस अमरूद को, इस पर ये हल्के हल्के से दाग हैं, एक तरह से दाग हैं। ये दाग क्या हैं? इसको मेरे पास, मेरे जो ग्रुप में हैं उन्होंने भी कुछ फ़ोटो भेजे हैं और मेरे को भी बाग में दिखाई दिए, लेकिन मुझे ये आश्चर्य भी हुआ कि ये दाग जो ताइवान पिंक वैरायटी है या जो मेरे पास VNR है और जिनमें बैगिंग नहीं की हुई या थाई पिंक है, उनमें ये दाग ज़्यादा है। ये दाग क्या हैं और क्यों हैं, आज मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। किसान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी। मैं आपको एक पेड़ और दिखाता हूं कि जिसमें अभी फल ख़त्म हो गए हैं लगभग, लेकिन कुछ फल बचे हुए हैं, कि क्या उसमें भी ये दाग हैं, आइए देखते हैं। किसान साथियों, ये मेरा धवल का अमरूद है, देखिए इसमें इस तरह का कोई भी दाग नहीं है। आइए मैं और भी अमरूद दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितना साफ अमरूद है। मुझे आजकल एक शौक लगा हुआ है कि मेरे बाग में जितनी भी वैरायटी हैं उनमें से किन में ये बीमारी है और किन में नहीं है। न तो मुझे ये बीमारी धवल में मिली, न मुझे ये बीमारी ललित में मिली। मैं ललित के भी कुछ अमरूद आपको दिखाता हूँ जो अभी भी मेरे पास है। इस पेड़ से इतने अमरूद मिले थे, आप अभी भी देखिए इसमें इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल साफ अमरूद है। ये देखिए बिल्कुल साफ अमरूद है, जो बड़े बड़े देखिए, कोई भी बीमारी नहीं है। इसीलिए आप ये दूसरा पेड़ देखिए, इस पर अभी छोटे अमरूद हैं ये, लेकिन बड़े जितने भी अमरूद होंगे उनमें इस तरह की कोई बीमारी नहीं है। बहुत अमरूद दिए थे, आप देखिए कि मैंने इनको टहनियों को बांध कर रोका था इस पर से। तो ये बीमारी क्या है, इसका गहनता से अध्ययन करने के बाद और अपने ग्रुप में जो हमारे एक दवाई के एक्सपर्ट हैं नवेद जी और जो हमने अमित भाटी जी हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया। ये एक माइट्स है जो कि आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और ये जब आता है तो ये क्या करता है कि पत्तियों पर भी आता है और फलों पर भी आता है। तो फलों पर ये रस चूसने लगता है और जो वो एक्सक्रीटा निकलता है या जब इसकी लाइफ पूरी हो जाती है वो इस पर इस तरह के दाग छोड़ देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिसंबर शुरू होने से पहले अगर आप इसका कंट्रोल कर लेंगे तो ये आइडेंटिफाई करना है, मतलब ये बात का ध्यान रखना है कि ये कौन से फलों पर और कौन सी वैरायटी पर आती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये सबसे अधिक ताइवान पिंक VNR जो मेरे पास है, और एक थाई 1 KG है वो है मेरे पास में, और ये थाई पिंक है, इन चार पर इसकी अधिकतम मात्रा है। ऐसा नहीं है उसके सभी पेड़ों पर है, लेकिन अधिकतम मात्रा है। तो आप नवंबर के अंत में या जब आपके यहाँ सर्दी शुरू हो जाए तो आप इस बात का ध्यान रखें, बगीचे में जाएं और ज़रा सा होते ही, मैं तो ये संस्तुति करता हूँ और इस बात की रिकमेंडेशन करता हूँ, आपके पास एक मैग्नीफाइंग लेंस होना चाहिए। ये वैसे नहीं दिखेंगे, लेकिन मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे तो आपको साफ ये दिखाई देंगे कि बहुत छोटी छोटी सी चींटियाँ हैं। अब इसका उपाय क्या, जो किसान भाई जैविक करते हैं वो इसमें मेटारिजियम एनेसापोली का स्प्रे करें, 2.5 ग्राम प्रति लीटर लें और इसका स्प्रे कर दें, तो ये पहले से ही आने से उन्हें रोकेगा। लेकिन अगर आ गया तो इसको रोकने में उसे थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए ये दवाई इतनी कारगर नहीं होगी। कारगर होगी लेकिन ये कम से कम 1 हफ्ते का समय लेगी। जो भाई जैविक नहीं करते हैं, अगर आपको लग रहा है प्रकोप ज़्यादा है, तो आप इसको, एक दवाई आती है मोनोक्रोटोफास, तो मोनोक्रोटोफास का स्प्रे करिए और उसमें एंथ्राकोल भी मिला लीजिए। मोनोक्रोटोफास 1 ml पर लीटर ले लेना और एंथ्राकोल 2 ग्राम प्रति लीटर ले लेना, उन दोनों को मिलाकर आप स्प्रे करिए।
अब कुछ भाई ये कहेंगे कि मेरी तो अमरूद की फसल आ रही है और इसमें उसका असर तो नहीं आएगा। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जितनी भी इंसेक्टिसाइड के स्प्रे होते हैं, अगर फल आया हुआ है उस पर उसका असर 4 दिन तक रहता है। 4 दिन के बाद आप टेस्ट करा जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि 4 दिन तक अमरूद न तोड़ें, और 4 दिन के बाद आप फिर वही काम शुरू करिए। चूँकि जितने भी इंसेक्टिसाइड ये अपने उसके जो पौधों का पत्तियाँ होती है और जो इसकी डंडी होती है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है, और जो आपके फल हैं उनकी ये रोकथाम करता है। ये एक बहुत अजमाया हुआ तरीका है, और ये मुझे जो हमारे ग्रुप के हैं नावेद शेख, उन्होंने भी बताया है, और जो एक अमित भाटी जी हैं उन्होंने भी ये किया हुआ है, और मैंने भी कर देखा है। ये बहुत ही प्रभावी तरीका है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।